मेरी दादी हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो बीच में हमारे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे दादी की तबीयत खराब हो गई है। ना किसी से बात करती थी, बिछावन पर लेटी रहती थी, बिछावन पर ही सारा चीज़। तो हम लोग तो हार गए थे। अब तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इनका ईसीजी और इको किया तो हमें पता चला कि ईसीजी में ये उन्होंने बताया कि इन्हें माइनर अटैक आ रखा था। सब करने के बाद उन्होंने बताया कि इन्हें वॉल्व में ब्लॉकेज हो रखी है। इनकी वॉल्व इनकी मतलब 0.3 ओपन है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर विनय कृष्ण ने उन्हें रेफ़र कर दिया था कि आप इन्हें दिल्ली लेके जाओ, इनका यहाँ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम शाहनवाज जी सब बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप चले जाइए मेदांता। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से बात हुई और हम यहाँ पर आए। तो इनका जब जांच किया गया तो देखा कि इनका एक वैल्व जो हार्ट के अंदर रहता है वो एकदम सिकुड़ गया था और उसके अंदर खून की बिल्कुल बूंद बूंद करके बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी शरीर वीक हो गया था और बहुत सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर इसका ये इलाज था कि हार्ट वैल्व को चेंज किया जाए, लेकिन 90 साल की उम्र पे ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, तो इसलिए नई विधि जिसको कि टैवर कहते हैं, जिसके अंदर बगैर ऑपरेशन किए सुई के द्वारा हम लोग वैल्व को अंदर डाल देते हैं, और वही इनका प्रोसीजर किया गया जिसमें करीब करीब 1 घंटे का समय लगा। पेशेंट 3 से 4 दिन यहाँ, 4 दिन एडमिट रहीं और अब ये डिस्चार्ज हो गई हैं। आज हम सारे यहाँ बैठे हैं और दादी मेरी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, बोलने की कंडीशन में है, चलने की कंडीशन में है, हमसे बात कर रही है और ऊपर वाले पर विश्वास किए। लेकिन नीचे में भी भगवान होता है, वो मैंने अपने नज़र से देखा और वो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी हैं जिन्होंने मेरी 90+ माता जी को आज बैठा के, आज हम लोग बैठ के खुशी से बात कर रहे हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था है मेदांता का, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सारे स्टाफ जितने भी नर्स डॉक्टर, दी बेस्ट सारे, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।